राजस्थान में रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खान विभाग के अधिकारियों को भी धमकाने से पीछे नहीं हट रहे। यहाँ के कोटा में एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। ये वीडियो खान विभाग के अधिकारियों ने उस वक्त बनाया है जब रेत माफिया उन्हें धमका रहे थे। दरअसल रेत माफिया अपने अवैध रेती से ओवरलोड एक ट्रक को टोल नाके से निकालने की कोशिश कर रहे थे। इधर टोल नाके पर खड़े खान विभाग के अधिकारियों ने जब ट्रक को पास नहीं होने दिया और ट्रक को अपने साथ ले जाने लगे, तब एक सफेद कार में बैठकर चार रेत माफिया अधिकारियों की गाड़ी के पास पहुंचे और चलती हुई गाड़ी से ही उनसे बहस करने लगे। टेंशन मत कर, ये भी गई, दिक्कत नहीं है, जो करना है कर लेना, ये भी गई तेरी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तू टेंशन मत कर, ये भी गई, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टूटने तो जो टूट रहा है, टूटने तो टूट रहे, आग लगने तो गाड़ी को साली को, वो तो मैं बताऊंगा मैं तेरे को, मैं यही जाता हूँ। ये घटना कोटा बूंदी हाईवे पर कुन्हाड़ी इलाके में हुई है, जिसकी शिकायत खान विभाग के अधिकारियों ने कुन्हाड़ी थाना पुलिस को दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मारा, कोई दिक्कत नहीं है, तू टेंशन मत कर, ये भी गई। जनप्रतिनिधि अक्सर शिकायत करते हैं कि अधिकारी उनके साथ सलीके से पेश नहीं आते, उनका सम्मान नहीं करते, लेकिन अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि कैसे पेश आते हैं ये भी जरा देख लीजिए। कलेक्टर डब्बू है, लल्लू है, कांग्रेस की कठपुतली बनी हुई है, इसलिए कलेक्टर का और प्रभारी मंत्री का जिला बदर होना चाहिए, मांग कर रहे हैं इनको हटाया जाए। डीएम को लल्लू और डब्बू कह रहे ये जनाब मध्य प्रदेश के हरदा से बीजेपी विधायक कमल पटेल हैं, और इनका डीएम पर यह गुस्सा खुद के बेटे पर की गई कानूनी कार्रवाई को लेकर है। दरअसल इनके बेटे को डीएम ने एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। विधायक के बेटे सुदीप पर 15 मामले दर्ज हैं और वो खिरकिया जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भी है। बेटे पर की गई इसी कार्रवाई के खुन्नस में विधायक जी शायद अपनी जुबान पर काबू रखना भूल गए। जी मीडिया, कांग्रेस की कठपुतली बनी हुई है, उसके कलेक्टर का और प्रभारी मंत्री का जिला बदर होना चाहिए।